हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश, आज हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी स्टेट एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रॉम्बे, अप्सरा, अग्नि, नाग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। बार्क यानी BARC, बार्क के नियंत्रण एवं निरीक्षण में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा बना था। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म हुआ। ठीक, मुंबई में है ये, जो कि मुंबई में है। परमाणु रिएक्टर से परमाणु बिजली प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शन है क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में सूक्ष्म तत्व के रूप में हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता कौन रखता है? इस प्रवृत्ति की समानता कौन रखता है? ऑप्शन है क्षार धातुओं से, अक्रिय गैसों से, क्षारीय मृदा धातुओं से, हैलोजनों से। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हैलोजनों से। हाइड्रोजन की यह प्रक्रिया जो है हैलोजनों से साम्यता रखती है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि आदि के समूह को हैलोजन कहते हैं। कौन कौन सा देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन के समूह को हैलोजन कहते हैं। इसके समूह को हैलोजन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। ऑप्शन है चैडविक, रदरफोर्ड, फर्मी, आइंस्टीन। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, चैडविक। ये जो है न्यूटन का खोज कब हुआ था, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था, ये 1932 ईस्वी में चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, परमाणु भार में इसका प्रमुख भाग होता है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर जो है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक के। ये जो है इसका न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक के, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक के। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? ऑप्शन है 1/8/36, 1/1/8/36, 1 और 0। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/8/36। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1/8/36 है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1093821 × 10⁻³। तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67262177 × 10⁻³⁷। इतना किलोग्राम होता है। ठीक, ये भी किलोग्राम में आएगा। ठीक, इतना होता है। इसका अनुपात करके और सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये उसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विभाज्य नहीं है? निम्न में से कौन विभाज्य नहीं है? ऑप्शन है परमाणु, अणु, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अणु, परमाणु और मिश्रण सभी विभाज्य हैं।
इसका भाजन नहीं हो सकता है। अणु का विभाजन परमाणु में, और परमाणु का विभाजन जो है मूल कणों यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। मिश्रण का विभाजन इसके घटकों से संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक कहाँ होते हैं? परमाणु में नाभिक कहाँ होते हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इधर भी है, यहाँ पे है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक ये हो गया, ठीक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगाता है, तथा इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन धनावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। किसी परमाणु का परमाणु भार केंद्र में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है, इसके भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अभी हमने डायग्राम में भी बताया प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की भावी त्रिज्या क्या होती है? परमाणु की भावी त्रिज्या क्या होती है? ऑप्शन है 10^-6 मीटर, 10^-10 मीटर, 10^-4 मीटर, 10^-15 मीटर। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 10^-10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कोटि जो है 10^-10 मीटर तथा नाभिकीय त्रिज्या कोटि 10^, नाभिकीय त्रिज्या कोटि यानी नाभिकीय त्रिज्या कोटि क्या होता है? 10^-15 मीटर होता है। क्या चीज? नाभिकीय त्रिज्या कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सिलिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। इसको हम लिखते हैं Na2SiO3, ये सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जा सकती है? किसका मापन करके की जा सकती है? ऑप्शन है द्रव अवस्था की सांद्रता, वाष्प की सांद्रता, हिमांक, वाष्प दाब। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वाष्प की सांद्रता। किसी पदार्थ का अणुभार जो है उसकी वाष्प सांद्रता यानी वाष्प का घनत्व के दुगने के बराबर होता है, अर्थात इसका अणुभार क्या होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है लाइम, लाइम स्टोन, जिप्सम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेलेक्ट लाइम, ठीक, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। ये जो है CaOH2 बुझे चूने यानी सेलेक्ट लाइम का रासायनिक सूत्र है। ये जो है बुझे चूने का रासायनिक सूत्र है। इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे SLAKED, सेलेक्ट लाइम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है मोसले, मिलिकन, टॉमसन, रदरफोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा टॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑप्शन है एक अल्फा कण, एक बीटा कण,
हाइड्रोजन आयन पॉजिट्रॉन, हाइड्रोजन आयन पॉजिट्रॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक बीटा कण है। बीटा कण एक विशिष्ट प्रकार के रेडियो एक्टिव नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा एवं उच्च गति के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। बीटा कण के छः मतलब उसको ख़त्म हो जाने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। बीटा कण के छः होने के बाद जो है उसके फलस्वरूप जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कोई सजेशन है तो, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से हमारा अदर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।